परमेश्वर के नाम को इस अनुग्रहित और अच्छे सुबह में महिमा देते हुए इस सुबह परमेश्वर जो हमें वचन देते हैं उसकी ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। इब्रानियों को लिखी पत्री 11वां अध्याय और 23वां वचन, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है, वे राजा की आज्ञा से ना डरे। इस अनुग्रहित वचन को आधार मानते हुए सी प्रॉपरली अच्छे से देखें, यह विषय मनन करने के लिए परमेश्वर पर हम आश्रित हों। मूसा का जब जन्म हुआ तो उसकी शिशु अवस्था में ही यह देखा गया कि वह सुंदर है, यह हमने पढ़ा। अंग्रेजी में और व्यक्त रूप से कहते हैं कि दे सॉ ही वॉज अ प्रॉपर चाइल्ड। बालक को जन्म लेने का और जीने का जब 1% भी अवसर नहीं था, उस समय परिस्थितियों के अनुसार ना सोचते हुए उससे बढ़कर मूसा के माता पिता ने उस शिशु में उस समय ही उसे जन्म लेना है, इस प्रकार की एक दृष्टि उन्होंने रखी। हम एक ऐसे समय में हैं जहां जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अधिक प्रचलन में है। माता पिता को जब यह पता चलता है कि उनका जन्म होने वाला बच्चा लड़की है तो बिना कुछ दया दिखाए भ्रूण हत्या करने के लिए वे बिल्कुल भी लजाते नहीं। इस प्रकार के समूह के बढ़ने के कारण जिम्मेदार लोग जेंडर आइडेंटिफिकेशन के विरोध में नियम लेकर आए जिससे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हट सके। उसी प्रकार डायग्नोस्टिक सेंटर में भी अलग अलग जगह में इस प्रकार का नोटिस लगा हुआ है कि जेंडर आइडेंटिफिकेशन यहाँ नहीं किया जाता और यह अपराध है। हर एक के हृदय में आने वाली इच्छा के अनुसार बच्चा यदि लड़का हुआ या फिर लड़की हुई तो उसमें अपनी असंतुष्टि दिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं। सृष्टिकर्ता ही गर्भ में रचना करते हैं, वे अपनी इच्छा के अनुसार उनकी योजना की पूर्ति के लिए रचना करते हैं, यह परमेश्वर के लोग समझें। सृष्टिकर्ता की रचना के अनुसार शिशु लड़का हो या लड़की हो, वह एक प्रॉपर चाइल्ड है, अच्छा बच्चा है, यह बात हमको समझना है। 4 उंगलियों वाले एक पियानिस्ट के बारे में आप लोग जो मेरे श्रोता हैं सुने होंगे। एक विकलांग की पत्नी सोन नामक एक कोरियन स्त्री से एक बार डॉक्टर बोले, आपने कुछ दवाइयां ली हैं जिनकी वजह से आपके पेट में बढ़ रहे बच्चे में कुछ विकलांगता और कुछ कमी है। निर्णय लेने के लिए आपके पास समय है। दोस्तों ने और समाज ने उन्हें इस प्रकार सलाह दिया कि इस बच्चे को गर्भ में ही नष्ट कर दो। बावजूद इसके इस माता ने यह निर्णय लिया कि बच्चा कैसा भी क्यों ना हो, उसको मैं पालन पोषण करूंगी। फिर 1985 में 9 जुलाई को इस माता ने ली ही आ नामक एक लड़की को जन्म दिया। इस छोटी बच्ची के दोनों हाथ में दो दो उंगलियां ही थी, पैर में भी इस प्रकार की विकलांगता थी, ब्रेन में भी कुछ समस्या थी। आप अकेले इस बच्ची का पालन पोषण नहीं कर पाएंगी, इसलिए विदेशियों को किसी को एडॉप्ट करने के लिए दे दीजिए, इस प्रकार रिश्तेदारों और समाज के लोगों ने उन्हें सलाह दी। फिर भी उस धैर्यवान माँ के हृदय में यह सब बात प्रवेश नहीं की। उन्होंने इस प्रकार विश्वास किया कि इस संसार की सबसे सुंदर लड़की उनकी बेटी है, मैं इसे प्यार से बड़ा करूंगी और यह अपने जीवन में सफल भी होगी, इस प्रकार वह माँ अपने आप से कहती रहती थी। क्लास में बच्ची को पियाना पढ़ाने के लिए उस माँ ने आग्रह किया, परंतु उस 4 उंगलियों वाली बच्ची को पियानो पढ़ाने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। जो तैयार हुए थे वे भी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर पीछे हट गए। 88 कीज वाले पियानो को बजाने के लिए 10 उंगलियों वाले लोगों को भी बहुत मुश्किल होती है, तो सिर्फ 4 उंगलियों वाली बच्ची कैसे बजाएगी बोलकर लोगों ने मजाक उड़ाया। परंतु वह यह सब सुनकर नहीं थकी, उन्होंने बच्ची को प्रोत्साहित किया और सभी को चकित करते हुए बच्चों के एक गाने में इस बच्ची ने पियानो बजाया और यह उसके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। बाद में उसने एल्बम भी निकाला, प्रेसिडेंट के हाथों से अवार्ड भी लिया। मेरे प्रियो,
गर्भ में ही इसे नष्ट कर दो। इस प्रकार सब लोगों ने सलाह दिया। इस वीर माता ने अपने गर्भ में परमेश्वर ने जो बच्ची की रचना की उसे पाल पोस कर बड़ा किया। विकलांगता थी पर आज एक महान पियानिस्ट बन गई हैं। परमेश्वर ने हमें जो भी पीढ़ी दिया है उसे देखकर हम यह कहने पाए ही इज अ प्रॉपर चाइल्ड और शी इज अ प्रॉपर चाइल्ड। बच्चे के घर में परमेश्वर ने रचना की है और उसके लिए उन्हें जो उद्देश्य है वे उसे पूरा करें। हैव ए ब्लेस्ड।